आईटीआई के छात्र ने बना डाली लकड़ी की डमी। एनसीसी कैंप में ट्रेनिंग के दौरान नहीं थी राइफल, दो दिन में बना दी AK-47 की डमी। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां आईटीआई के छात्र ने लकड़ी की राइफल बनाई है। यह राइफल AK-47 की डमी है, जिसे उसने सेना के अधिकारी को सौंपा है। छात्र से इस प्रयास से खुश होकर सेना के अधिकारी ने उसको सम्मानित किया है। आईटीआई के कारपेंटर ट्रेड के छात्र आशीष कुमार विश्वकर्मा निवासी सगरा ने लकड़ी की AK-47 राइफल तैयार की है। इस राइफल को बनाने में उसको दो दिन का समय लगा है और करीब 100 रुपए की लागत में आई है, जिसमें 60 रुपए का एक लेंस लगा हुआ है और 40 रुपए का खर्चा उसे पेंट करने में आया है। पूरी राइफल की पिक्चर दिमाग में बैठाकर छात्र ने लकड़ी की गन तैयार की है, जो हूबहू असली राइफल से मिलती जुलती है। गन की बैरल में लोहे की पाइप का इस्तेमाल किया गया है। आईटीआई कॉलेज में एनसीसी का कैंप आयोजित हुआ था, जिसमें छात्रों को आर्म्स की ट्रेनिंग दी जानी थी, लेकिन कैंप में राइफल नहीं थी। इस बात से छात्र को लकड़ी राइफल बनाने की प्रेरणा मिली और उसने राइफल बनाकर कैंप में शामिल होने के लिए सागर से आए सेना के डीएम को सौंपा है। छात्र के इस प्रयास पर सेना के अधिकारी ने उसको सम्मानित करते हुए हौसला बढ़ाया है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए रीवा से रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। एक्चुअली ये एनसीसी के बच्चे हमारे कैंप में जाते हैं सागर। इस बार कोविड के कारण एनसीसी के पूरे डेलीगेट्स हमारे यहीं आए हुए थे, अधिकारी वगैरह, तो कैंप से हमारी स्थानीय स्तर पे हुआ था। उन बच्चों को आर्म्स के भी ट्रेनिंग दी जाती है, तो आर्म्स ट्रेनिंग देने की उनकी पोजिशनिंग वगैरह देने के लिए बच्चों ने हमारे जॉइंटली कारपेंटर व्यवसाय के बच्चे, टनर व्यवसाय के बच्चे और फिटर व्यवसाय के, बिल्डर के, इनके ट्रेनिंग ऑफिसर्स के मार्गदर्शन में बच्चों ने एक मॉडल स्वरूप इन्होंने बनाया है। एक जॉइंटली ये डमी है, एक स्वरूप है मॉडल, ये फंक्शनिंग कुछ भी नहीं है इसमें। कितना दिन लगा बनाने में? ये बच्चों के कड़ी मेहनत से, कहीं यूट्यूब से वीडियोस देख करके इन्होंने बनाया है। ये लगभग 2 दिन लगे इसमें बनाने में। डमी कहाँ पर भेजा जाएगा? ये प्रदर्शनी स्वरूप संस्था में ही रहेगा, कहीं नहीं भेजे जाएंगे। और ये जितने भी हमारे रॉ मटेरियल, इसमें कास्ट की जहाँ तक बात है, कास्ट में नॉमिनल कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे पूरे रॉ मटेरियल जितने होते हैं उन्हीं के द्वारा ये निर्मित किया गया है। अब लकड़ी जो यूज हुई है वो हमारे कारपेंटर व्यवसाय करते हैं, बिल्डर से बिल्डिंग का काम किया गया है और शेप वगैरह टर्नर से देने का काम किया गया। वो टोटल ये रॉ मटेरियल में वो प्रैक्टिस के दौरान ही ये सामान्य प्रक्रिया हमारी कराई जाती है, उससे ये बनाया गया। कितना खर्चा है होगा इस तरह? इसमें जो सिर्फ जो खर्चे की जहाँ तक बात करेंगे तो खर्चा नॉमिनल ही है। इसमें जो आई का है और जो कलर हम वार्निश वगैरह का है उसी का खर्चा है, हालांकि वो भी हमारे रॉ मटेरियल के ही हैं, पार्ट हैं, खर्चा एकदम कुछ भी नहीं इसमें। क्या नाम है? बी एस पनिका। आशीष कुमार विश्वकर्मा, मेरे पिताजी का नाम श्री सुरेश प्रसाद विश्वकर्मा, मैं सगरे का रहने वाला हूँ। मैं ये आईटीआई रीवा में कारपेंट्री ट्रेड का स्टूडेंट हूँ। क्या था कि मेरे यहाँ 33 MP बटालियन एनसीसी की ट्रेनिंग चल रही थी, जो सागर में इसका हेडक्वार्टर है। तो जो लड़के यहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे कैडेट्स, उनके पास ट्रेनिंग करने के लिए गन नहीं थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इनको लकड़ी की गन बना के ट्रेनिंग करने के लिए दे दूँ, ताकि ये एम्यूनेशन का सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। तो मैंने AK-47 का डमी बना के तैयार किया हूँ, जो मेरे द्वारा निर्मित हुई है, यही आईटीआई ट्रेड कारपेंटरी ट्रेड रीवा में। किन किन चीज़ों से बनी हो? सर, ये ज़्यादातर इसका जो मुख्य 90% भाग है तो ये लकड़ी का बना हुआ है। जो मैगजीन है, बट है, इसका लकड़ी का है, स्कोप भी है उसमें लकड़ी, और लेंस का प्रयोग किया गया है। और जो इसका वायरल है ये GI पाइप का बनाया गया है। इसमें क्या है, जो कम से कम लागत बनाया गया, ये सिर्फ 100 रुपीज़ में, इसमें 60 रुपये का लेंस लगाया गया है और 40 रुपये की पॉलिश का उपयोग किया गया है। ये कम से कम लागत में बनाई गई है। यहाँ पर कितने दिनों में तैयार? सर, ये 2 दिन में कम्प्लीट हो गई है बंदूक बन के। इसका मतलब अप्रूव भी हुआ है? हाँ सर, इसका जो निरीक्षण किए तो सर वो SO सर, CO सर आए थे वहाँ से, सागर से, DM थोंग सर, DM डोंग।
कौन सी बटालियन? ये 33 MP बटालियन सागर की है। क्या कहा उन्होंने देखा तो? उन्होंने कहा कि ये सर बंदूक अच्छी बनी है और उनको जो फोटो और वीडियो उसका ले गए हैं वहाँ पर, ये वहाँ सागर के लिए। कौन सी गन है ये? AK-47 है। आपका सम्मान भी किया गया? जी सर, हमको सील मिली है उसके उपलक्ष पर। IDI टर्नर में बच्चे 20 बच्चों की भर्ती होती है और हम लोग अच्छा स्किल उनको प्रदान करते हैं। और ये लोग जैसे एक सेंट्रिक जाब है आपका, ये देखें इसे बनाते हैं, थ्रेड काटना इसी में, और जाब हैं आपके, ये जाब हैं इनमें चूड़ी काटना, मशीनों के पार्ट बनाए जाते हैं इनके द्वारा। और जैसे बच्चे अपना ये डेमो ये ब्लॉक में अंदर ये काटे हैं और अच्छा स्किल ले करके और जाते हैं बाहर, जैसे BHEL है, ऑर्डिनेंस है और ISRO है, HAL है, इनमें हमारे बच्चे बहुत से लगे हुए हैं। और हिंदुस्तान में मतलब जैसे ऑर्डिनेंस वगैरह में है तो रक्षा सामग्री तैयार करते हैं और देश के लिए अच्छा योगदान देते हैं, रोजगार भी प्राप्त होता है इसी से। लकड़ी के और क्या सामान बनाए गए हैं आप? लकड़ी के चेस वगैरह दिखाओ वाला, ये ड्राइंग के अनुसार इसके चेस वगैरह सब बनते हैं, ये चेस ड्राइंग से चेस हैं। और ख़ास तौर पर यहाँ लोहे के ही सामान बनते हैं टर्नर ट्रेड में, कारपेंटर में लकड़ी के सामान बनाए जाते हैं और यहाँ पर लोहे के सामान बनाए जाते हैं।